हेलो डॉग लवर्स, आपका स्वागत है स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग चैनल में। मेरा नाम है साहिल सैफी और ये जो वीडियो लेके आए हैं हम लोग, अब हम क्या करेंगे, एक सीरीज लेके चलेंगे। जैसे ब्रीड्स को हम नई ब्रीड है, अब वो उसने आज तक पहले ट्रेनिंग की नहीं है और वो थोड़ा बड़ा भी हो चुका है या फिर छोटा पप है, तो हम छोटे पप की भी सीरीज लेके चलेंगे, बड़े की भी लेके चलेंगे, तो हर ब्रीड की सीरीज लेके चलना शुरू करेंगे। तो इस बार हम लेके आए हैं जर्मन शेफर्ड की सीरीज। तो जर्मन शेफर्ड जो आप देख रहे हैं 5 मंथ ओल्ड है। अब ये स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ा घुला मिला नहीं है, प्लस अब हम आप देखेंगे इसमें पहले पार्ट में कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं उससे, तो आप चीज़ नोटिस करना कि वो थोड़ा डोमिनेंट होने की कोशिश करेगा। डॉग हमेशा थोड़ा चढ़ने की कोशिश करते हैं कि मतलब हमारी चले, है ना। और अगर जो पहला इंप्रेशन होता है, अगर आप उसमें डर जाते हैं तो फिर वो आगे तक रहता है, तो हमें पहली बार में उससे डरना नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें बेनिफिट ये बट मिल रहा है इसमें कि हम डर नहीं रहे, तो थोड़ी देर उसने कोशिश की हमें डराने की। ये हर डॉग में होता है ना। और अगर आप कोई गार्ड डॉग पाल लें तो उसके अंदर ये नेचर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि वो अपने आप इस वीडियो में देखिएगा कि वो टीथ भी निकालने की कोशिश कर रहा है। ये वाला पार्ट देखिए, इसमें टीथ भी निकालना है, तो ये कोशिश करते हैं डॉग। लेकिन अगर आप यहाँ डर जाते हैं तो ये आगे तक रहता है और फिर वो ऐसे ही आपको डराने की कोशिश करेगा। कभी आने वाले टाइम में अगर आप वैक्सीनेशन या फिर कोई भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जब वो बड़ा हो जाता है डॉग, अगर उसने शुरू से इसका ऐसा नेचर रहा तो बाद में आपको दिक्कत करेगा। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, मजल बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो नहीं पहनने देगा। तो पहले पार्ट में हमने ये दिखाया कि हमने लीश में उसको पकड़ने के लिए थोड़ा इंट्रोड्यूस किया, हाथ रखने की कोशिश करी है। आप अगर खुद ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप अगर बिल्कुल न्यू हैं ट्रेनिंग में, तो पहले आप थोड़ा सेफ्टी रखिए अपने और थोड़ा और जाने ट्रेनिंग के बारे में, उसके बाद ही ये सब स्टार्ट करें। तो इससे पहले आप ऐसे स्टार्ट ना करें डायरेक्ट, आपको इंजरी भी हो सकती है अगर डॉग और ज़्यादा एग्रेसिव हुआ या फिर
आपको ट्रिक्स नहीं पता है थोड़ी, तो आप ट्रिक्स जानने के लिए नीचे व्हाट्सएप पे नंबर दे रखे हैं, इस पर बात कर सकते हैं, आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, तो आपको ट्रिक्स बताएंगे कैसे आपको कैसे किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो ये आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको फिर उसमें बताएंगे कैसे कैसे क्या करना है। तो अब आता है सेकेंड पार्ट, तो इस पार्ट में क्या करेंगे हम, वॉक पे लेके जाएंगे उसको, वॉक आउटडोर भी हो सकती है, अगर आपका कोई गार्डन है तो इंडोर वॉक सबसे बेस्ट है। तो इंडोर वॉक में आप क्या कर सकते हैं कि डॉग को लेके जाइए, फिर वहाँ से टर्न कीजिए, तो उसे थोड़ा बहुत हमें क्या करना पड़ेगा, एक अट्यूनमेंट में लाना पड़ेगा अपने साथ। अब अट्यूनमेंट में जब आता है डॉग, थोड़ा टहलता है, उसको ट्रीट मिलती है, प्लस उसको थोड़ा कोशिश करते हैं कि हील हमारे साथ साथ ही चले, वो हील ट्रेनिंग की जाती है इसकी, तो वो साथ साथ चल सके, थोड़ा अट्यूनमेंट आ सके, वो समझ सके, एक अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो शुरू में यही चीज़ की जाती है कनेक्शन बनाने के लिए ट्रेनर और डॉग के बीच में, तो उसको थोड़ा टहलाया जाता है अपने साथ साथ, वापस लेके आया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। टोटो सेट बैठ जाओ, नो सेट गुड गुड बॉय। Bad habit. Don't jump. No. Come. No. No. Leave it. No. No. Bad habit. Bad habit. ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, और भी अच्छी अच्छी सीरीज़ आएंगी, और भी मैं कोशिश करूँगा और भी जैसे कि ट्रेनिंग सीरीज़ से अलग आपको इन्फॉर्मेशन की भी सीरीज़ ला कर दे सकूँ, तो उसकी भी कोशिश चल रही है अभी। और इससे अलग आप क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे मेंबरशिप का कोर्स है ये ट्राई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप डोनेशन भी कर सकते हैं। डोनेशन से बेनिफिट ये मिलेगा कि हम लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट होगा, आप अपने फेवरेट्स चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन आता है सब्सक्राइब के पास में, लेकिन वो अब तक हमारे पास नहीं आया, तो आप तब तक हमको पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप का ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ, ये मेरा पेटीएम का, गूगल पे का ये नंबर है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको कि आप 100-200 वट एवर जो अमाउंट आप देना चाहते हो वो आप कर सकते हो, प्लस इसमें बेनिफिट्स ही मिल जाएंगे आपको कि जैसे आप जब पेमेंट करेंगे तो उसका आप स्क्रीनशॉट हमें सबमिट कीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, और जो डोनेशन करेंगे, और जब आप उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे आप जितने भी टोटल अमाउंट ऑफ डोनेटर्स होंगे हमारे पास जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं मंथली, तो उनको हम कोशिश करेंगे कि वीकली उनको व्हाट्सएप के ऊपर पूरा अच्छे से सपोर्ट किया जाए, उनको गाइड किया जाए, इस चीज़ का बेनिफिट उनको ज़रूर मिलेगा, प्लस और भी उनको उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर वीडियोस बनाए जाएंगे, तो उनको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेन चीज़ ये आती है कि YouTube इतना ज़्यादा पेट कैटेगरी को सपोर्ट नहीं करता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखो आप अगर ट्रेंडिंग की बात देखेंगे तो हर कैटेगरी में ट्रेंडिंग का उन्होंने सबको सपोर्ट कर रखा है, प्लस अगर बात करेंगे ज्वाइन बटन का तो बहुत कम चैनल्स हैं अभी उन्हीं पे ज्वाइन बटन आया है, और पेट कैटेगरी में तो अभी तक दिया ही नहीं उन्होंने, तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि वो पेट कैटेगरी को सबसे लास्ट में रखता है अभी। और YouTube इनकम की बात की जाए तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा इनकम है, उसके ऐसा कुछ नहीं है, बट टैग चैनल है जिसकी बहुत ज़्यादा इनकम होती है, अदरवाइज़ पेट कैटेगरी का अगर आप देखेंगे तो ना के बराबर ही, उसे आप ध्यान भी नहीं दे सकते इतनी इनकम होती है, तो YouTube पे इतनी इनकम नहीं है अगर आप सोच रहे हैं। और तो कुल मिला के हम लोगों को भी सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि हम अगर
पूरी तरीके से इसी चीज़ पे फोकस करके आपके लिए फिर वीडियोस बनाए, इस पे पूरा वर्क किया जाए, तो पूरी तरीके से फोकस नहीं हो पाता हमें, फिर दूसरी चीज़ों पे मतलब अपना सपोर्ट लेने के लिए दूसरी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है अभी। तो आप अगर फुल्ली अगर चाहते हैं कि हम इसी पे पूरा फोकस लगा के काम कर सकें और वीडियोस ला सकें, तो इसलिए हमको इस चीज़ के लिए सपोर्ट चाहिए होगा आपका। तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ज़रूर सबमिट कीजिएगा। बैठो, गुड बॉय, बैड हैबिट, बैड हैबिट, बैड हैबिट, बैड हैबिट, नो 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 नो, काम शांत हो जाए, नो नो, बैड हैबिट, नो 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 नो, स्टे गुड, टेक इट। बैठो, सही, गुड बॉय, नो नो नो, आप मत पकड़ना, नो नो, बैठो बैठो, आराम से चलो, आ जाओ आ जाओ आराम से, आराम से, आराम से, नो ठीक है, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ, बैठो यहाँ, बैठो बैठो, गुड बॉय, तो थैंक यू गाइस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी थी लेकिन आपको जरूर पसंद आई होगी क्योंकि इसमें थोड़ा कवर करने की कोशिश की थी। अब देखिए ये सीरीज़ आती रहे आगे भी और डे वन डे टू डे थ्री आते रहे, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो पर 300 लाइक करेंगे तो फिर डे टू भी लेके आ जाएंगे जल्दी से। इस वीडियो का एम 300 लाइक रहेगा, अगर आपने पूरा कंप्लीट कर दिया तो हम आगे भी दूसरा डे लेके आते हैं, फिर उसके बाद उस पर भी एक एम, हर वीडियो पे एक एम रख रहे हैं हम लोग। तो आप वीडियो का एम पूरा ज़रूर कीजिए, जैसे ही आप एम पूरा करेंगे तो अगली वीडियो आती रहेगी। तो इस चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल डैट, ये तो सब बोलते हैं आपको पता ही है। तो चलो ठीक है, बाय बाय।